श्रीलंका में सीरियल बम धमाकों ने तबाही मचा दी है। 3 चर्च समेत 6 अलग अलग जगहों पर हुए इन बम धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और ये दर्दनाक आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब जानकारी सामने आई है कि 2 चर्चों के अंदर आत्मघाती बम धमाका किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबो में एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्हें ये शक है कि 2 चर्चों के अंदर सुसाइड बॉम्बर ने हमलों को अंजाम दिया है। इस संबंध में और जानकारी जुटाई जा रही है। यह अटैक श्रीलंका की राजधानी कोलंबो समेत 3 शहरों में किए गए हैं। रविवार सुबह ईस्टर पर्व के मौके पर जब ईसाई समुदाय के लोग चर्चों में प्रार्थना करने पहुंचे थे, उस वक्त ये धमाके हुए, जिसके चलते बड़ी तादाद में जान की हानि हुई है। हालांकि अब तक किसी आतंकी संगठन या व्यक्ति की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिलाने वाले इस कृत्य की जिम्मेदारी नहीं ली गई है, ना ही अब तक श्रीलंका की तरफ से ये बताया गया है कि क्या ये कोई आतंकी हमला है। हालांकि अब आत्मघाती बम धमाकों की जो जानकारी सामने आई है, वो जरूर इस घटना के बारे में जल्द किसी खुलासे तक पहुंच सकती है।